शहरी विकास प्राधिकरण की सिटी बसें 21 माह से स्टैंड पर खड़ी हैं और अब कबाड़ होने की कगार पर है। जानकारी के मुताबिक बस चलाने वाले ठेका कंपनी और निगम प्रशासन के बीच संचालन के लिए समझौता नहीं हो सका, जिसके बाद से बसें बस स्टैंड पर खड़ी अब धूल खा रही हैं, जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। वहीं बस बंद होने से इसका खामियाजा आम लोगों को झेलना पड़ रहा है, साथ ही यातायात व्यवस्था बदहाल होने से शहर में सफर महंगा हो गया है। आपको बता दें कि इन बसों का संचालन अर्बन सोसाइटी के ठेका कंपनी कर रही थी। साल 2020 के मार्च महीने में कोरोना लॉकडाउन से बसों का संचालन बंद हो गया था। हालांकि संक्रमण में कमी के बाद सार्वजनिक स्थानों को खोलने के साथ बस ऑटो संचालन को इजाजत दे दी गई। इसके बावजूद भी शासकीय अनुदान से चलने वाली इन सिटी बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया। शहर में संचालन के लिए शहरी विकास अधिकरण के 49 बसों को मंजूरी दी गई थी और सभी बसें इन दिनों यार्ड में खड़ी हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंबे समय से ये बसें इसी तरह खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। सिटी बस कोरबा नगर निगम क्षेत्र के लिए और उन्होंने उपलब्ध कराई और एक अच्छी सुविधा कोरबा नगर निगम क्षेत्र में चालू हुई, लेकिन लॉकडाउन के समय लगभग 21 महीना पूर्व और यह सुविधा को बंद कर दी गई। अभी भी यह सुविधा चालू नहीं की जा रही है। हम लोगों के द्वारा विभिन्न बार आयुक्त महोदय से और राज्य सरकार से, महापौर से पत्राचार किया गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कारण ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 बसें पूरी वहाँ स्टोर में खड़े खड़े और वह कंडम हो चुकी है, जिसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। जिस कंपनी को आउटसोर्स किया गया था यह कार्य, वह कंपनी कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ साठगांठ करके और जनता के पैसे की बर्बादी और शासन को चूना लगाई है। रात की जो ट्रेन कोरबा आती है, उसके बाद जो ऑटो चालक है मनमानी ढंग से पैसे वसूलते हैं। यदि सिटी बस होती तो लोग अपने सही कीमत पे दाम दे करके अपने गंतव्य पहुंच जाते। वैसे भी पूरे दिन ऑटो चालकों का मनमानी चलते रहता है। देखिए, सिटी बस रहने से एक तो बहुत सारी सुविधाएं थी, हर चीज़ का मतलब वो था। एक आधी रात को भी अगर आप चांपा उतर रहे हैं, कोरबा उतर रहे हैं, सिटी बस की सुविधा थी, तो उससे बस से आदमी राहगीर आ जाता था, चला जाता था कि भैया अब। लेकिन अब बस नहीं होने के कारण ऑटो वालों की रात को और वहाँ चांपा में टैक्सी वालों की मनमानी रहती है कि एक ही है तो अनाप शनाप पैसे मांगते हैं वो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी पुरुषोत्तम, जो ये बसें हैं जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं, इनका संचालन क्या शुरू हो पाएगा? क्या उम्मीद है संचालन शुरू होने की? देखिए मोनिका जी, अभी बस का संचालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कर्मचारी इनके मेंटेनेंस के लिए लगे थे उनका भुगतान भी नहीं हो पाया है। तो क्या बोलते हैं, ये लोग कोर्ट में याचिका दायर किए हैं, तो कोर्ट में मामला जाने से आपको लगता नहीं है कि इतना जल्दी मामला सुलझ जाएगा और सिटी बसें रोड पे आएंगी। इसके साथ ही क्योंकि बसों का संचालन बंद है, तो न सिर्फ संचालकों को परेशानी हो रही है बल्कि आम जनता भी काफी सफर कर रही है, क्योंकि बसों की संख्या कम हो गई है। तो क्या कोई अलग अगर दूसरा कोई फैसला लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? अभी तो फैसला कुछ दूसरा लेते नहीं दिख रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन स्कूल जाने वाले और छात्र छात्राएं हो, चाहे आम जो पास मतलब लोकल जो यात्रा कर रहे थे, उनको भारी जेब से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।